टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर दो डेक यूज़ करूँगी मैं। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। तो वन बाय वन हम कुछ कार्ड्स लेंगे और उससे हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। विल टेक सिक्स कार्ड्स। करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देन वी हैव एट ऑफ विजन, द फूल, सेलिब्रेशन, सीकर ऑफ चैलेंजेस एंड फोर ऑफ विजन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सेवन ऑफ विजन। किसी कन्फ्यूजन, किसी थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में अभी इस वक्त हैं और थर्ड पार्टी में होते हुए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। इन्हें समटाइम्स ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ये समटाइम्स बहुत ज़्यादा होपलेस हो जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद ये जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, इस रिलेशनशिप में न्याय नहीं हो पाएगा। इस तरह के थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल जो एनर्जी है इनकी वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर झेल चुके हैं या झेल चुकी हैं और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मतलब ये जो कार्मिक साइकिल्स हैं, जिस भी टेंशन में हैं, जिस भी स्ट्रेस में हैं, जिस भी डिप्रेशन में हैं, ये वहाँ से केयरफ्री होकर निकलेंगे। कुछ लोगों के पर्सन निकल चुके हैं, कुछ लोगों के पर्सन प्रोसेस में हैं कि बहुत जल्द निकलेंगे, कुछ लोगों के पर्सन रीयूनाइट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि वो निकल गए उस सिचुएशन से, या उन्होंने कन्विंस कर लिया जो भी थर्ड पार्टी है उसे। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड हैं। इस रिलेशनशिप में कैसे एक्शन लेना है, कैसे कन्विंस करना है, आगे का क्या प्लानिंग है, वो सब रेडी है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी है वो है सेवन ऑफ विजन्स की। कन्फ्यूजन है, किसे चूज़ करें, किसे छोड़ें, करियर को चूज़ करें, फैमिली को चूज़ करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करें, घर को चूज़ करें, या आपको चूज़ करें, या अपने स्टेटस को चूज़ करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी कन्फ्यूजन की है। मतलब ज़्यादातर लोगों के पर्सन आज के दिन में कन्फ्यूज्ड हैं। कोई जो होता है ना, कोई सिचुएशन में डिसीजन लेने के पहले की एनर्जी है कि ये किया तो क्या इसका रिएक्शन होगा, अगर ऐसा किया तो क्या होगा इम्पैक्ट। तो इंसान सब कुछ सोच समझ कर ही एक प्रॉपर डिसीजन तक पहुंचता है। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन में कोई एक्शन लेने वाले हैं। कुछ लोगों का रियूनियन हो चुका है, वो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आज के दिन होने वाला है। कलेक्टिव लोगों के पर्सन न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। यहाँ फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पर वो अच्छी है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर डिप्रेशन में डेफिनेटली हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। जिनके भी पार्टनर डिप्रेशन में हैं, जिनके भी पार्टनर अभी डिसीजन पे नहीं पहुँचे हैं, क्या डिसीजन लेना चाहेंगे आगे चल के, क्या डिसीजन होगा, क्या मेरे व्यूवर्स आपके फेवर में होगा। जिनके पर्सन अभी डिप्रेशन में हैं, क्या डिसीजन लेंगे। स्टारलाइट, होप रखिए जो भी डिसीजन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन समय लगेगा क्योंकि वेटिंग का कार्ड आ गया है। चाइल्ड ऑफ विजन, आपकी तरफ जेस्चर भी होगा, बातचीत होगी, प्लानिंग की एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद सिक्स ऑफ वॉन्ड, सक्सेस की एनर्जी है। मतलब प्लानिंग करके सक्सेस तक पहुंच ही जाएंगे। ये मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया है क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन अभी भी डिप्रेशन में हैं, होपलेस हैं। तो ये जानना ज़रूरी था कि क्या आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे या पीछे हट जाएंगे। इसलिए मैंने इस डिप्रेशन वाले कार्ड को क्लैरिफाई किया है सिर्फ। और यहाँ पर सक्सेस है, होप रखना है, होप रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, थोड़ा इंतज़ार होगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा,
प्लानिंग के साथ आपके पर्सन आएंगे, इसीलिए डिप्रेशन में है, प्लानिंग की एनर्जी है। और यहाँ भी देखिए कन्फ्यूजन है कि क्या चूज़ करूँ, तो ये आपको ही चूज़ करेंगे बिकॉज सक्सेस का कार्ड आ गया। एंड होप के साथ, मतलब आपको होप रखनी है, बाकी लोगों की एनर्जी पॉजिटिव है इसलिए मैं उसे क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ। देखते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या बता रही हैं, इस वक्त अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक एक करके दें प्लीज़। फाइव ऑफ फायर, क्राफ्ट्समैन ऑफ फायर, टेन ऑफ वाटर, फोर ऑफ एयर, विच ऑफ वाटर एंड एट ऑफ वाटर। वाटर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोगों का एयर साइन भी हो सकता है। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, अर्थ साइन, सभी साइन है यहाँ पर, साइन सभी है। और वैसे भी मेरी रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है लेकिन यहाँ पर सभी साइंस निकल कर आई हैं। एयर भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पर देखिए आपको लेकर करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ऑब्स्टिकल तो है आप दोनों के रिलेशनशिप में, नो डाउट। बहुत लोग हैं जो टूट पड़े हैं आप दोनों को अलग करने के लिए, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समटाइम्स इमोशनली अपसेट भी हो जा रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी। आप सोच रहे होगे कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, आपको कॉल क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो सिचुएशन में ही ना हो कि ये आपसे बात करें या आपको कोई क्लैरिटी दे पाए, इन्हें खुद ही अभी क्लैरिटी नहीं है। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से एट ऑफ कप्स इमोशनली विड्रॉ कर लिया है, साथ ही साथ इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल से डिटैच हो जाते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आप ही को अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, भले थोड़ा समय लगे, भले थोड़ा समय लगे, भले इट विल टेक सम टाइम। आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं और पैशनेट होकर इस रिलेशनशिप पर स्ट्रांग और बोल्ड एक्शन भी लेना चाहते हैं। फायर की एनर्जी है तो यहाँ पर आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए जैसे अग्नि है फैलती है वैसे मूवमेंट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी इनसे बन पड़ेगा वो करेंगी या करेंगे, ये चीज़ें हैं। आज मैंने अपने दूसरे चैनल एस्ट्रो विद एम सिंह पे इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी डाली है, तो इस रीडिंग के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा, राशि के अकॉर्डिंग है, तो आपको अगर अपनी राशि पता है तो उस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी राशि का मैंने अलग अलग बताया है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। अरे सॉरी सॉरी स्वीट हार्ट, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ प्लीज गाइड करें। विल टेक फाइव कार्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सन, सन विद ट्रांसफॉर्मेशन विद सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस, रूट और सैक्रल, इन तीनों पे मैंने वीडियोस बना दी हैं। सोलर प्लेक्सस की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आज लोड होगी और सैक्रल और रूट पे मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, तो अगर आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉकेज है, क्यों आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे हील करना है, तो आप डेफिनेटली मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एस्ट्रो विद एम सिंह में, और उसमें मैंने आज सोलर प्लेक्सस का भी अभी मैं आफ्टरनून में डालूंगी और दो वीडियो ऑलरेडी डल गई है, फिर कल मैं हार्ट चक्रा पे डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए येलो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, येलो की एनर्जी क्या बता रही है, आप में से कई सारे लोग रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट वर्दी, आपको वर्थलेस फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको नहीं पूछ रहा, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। इसी तरह आपके पर्सन की भी एनर्जी है, वो भी एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉकेज की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा,
इस रिलेशनशिप में चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है और वो होगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा, डेफिनेटली होगा। और आपके लिए आज पाँचों मेजर अरकाना है, तो पाँचों मेजर अरकाना है, इसका मतलब कि आज के दिन में कोई नंबर नहीं है, राइट? यहाँ पर देर इज़ नो माइनर अरकाना, इवन बॉटम से भी वी हैव मेजर अरकाना ओनली। सो ब्लॉकेजेस हैवी हैं, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। देखते हैं क्या कोई नंबर निकल के आता है हमारे पास। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन होगा एंजल्स? क्या एक्शन होगा? मेमोरीज ऑफ लव, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज में है और अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे। यहाँ पे सिक्स नंबर ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। सिक्स आवर्स बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 15 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 24 आवर्स। डेथ क्यों आया है? क्या ख़त्म होगा नेक्स्ट एक्शन में? ओके, आपके पर्सन फियर से रिलीज़ होंगे, फियर से बाहर निकल कर स्टैंड लेंगे ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। विजन क्लियर होगा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के विजन्स क्लियर नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा कि मैंने अभी कहा कन्फ्यूजन है। हैरोफ्रेंड क्यों आया है? हैरोफ्रेंड को शादी, देखिए शादी के कार्ड को शादी के कार्ड ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, और विद मैसेज कार्ड आपके पर्सन धीरे धीरे करके आपके लिए स्टैंड लेंगे और मैरिज भी करेंगे। यहाँ पे मैरिज की भी एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने क्लैरिफाई किया था कि अगर आप में से कई लोगों के पर्सन अभी डिप्रेशन में हैं, होपलेस हैं, बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आगे चल के सक्सेस है। और यहाँ पर भी देखिए मैंने क्लैरिफाई किया है कि क्यों आया है हैरोफेंट। तो यहाँ पर ये आपसे ही शादी करेंगे, इनको इतनी नॉलेज दी जाएगी, आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपसे ही बातचीत करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस डेफिनेटली रिसीव होंगे और बहुत जल्द रिसीव होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से। जो कुछ भी होगा अपने निर्धारित समय के अकॉर्डिंग ही होगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज के दिन में मेरे व्यूवर्स को? एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है वो चाहे जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, इम्प्रूव होगी। वी हैव सेकेंड कार्ड सक्सेस। थर्ड वी हैव वेट, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर एंड येस, मेडिटेशन ज़रूर करें। With yes card we have, always be positive. We'll take two more cards from this deck. क्या मैसेज है एंजल्स? ओके, दो कार्ड आ गए हमारे पास। पहला है शेडो बॉटम ऑफ द डेक विद यूनियन। बहुत सारे लोगों के पर्सन एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं तो वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाएंगे। अगर आप बहुत होपफुल हैं तो आपके पर्सन भी आपको लेकर होपफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर यूनियन आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अरे ये कॉल नहीं आया, अरे मेरा पर्सन तो नहीं आएगा, मेरा पर्सन तो छोड़ दिया, मेरे पर्सन से तो अब उम्मीद ही नहीं है, तो वो कभी नहीं आएगा क्योंकि आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड वी हैव क्लियरेंस, साइकिल क्लियर हो रही है, जैसा कि मैंने कहा एक कार्मिक साइकिल क्लियर हो रही है, क्योंकि आज की रीडिंग में पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। और यहाँ पर है रिस्पेक्ट, यहाँ पर है मिरेकल, मिरेकल की एनर्जी है। आपको आपके जो भी गुरु हैं, जो भी गाइड हैं, जिनसे भी आपको थोड़ी भी गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके कोई गुरु हो, गाइड हो, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू कीजिए अपने एंसेस्टर्स की, वैल्यू कीजिए अपने एंजल्स की। अगर वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं और आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं तो उनका वर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। तो अगर किसी के लाइफ से कुछ साइकिल्स चेंज हो रही हैं, क्लिंज हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस तो करना ही पड़ेगा। सो ऐसी सिचुएशन में अब आप ही सोचिए कि आप लोगों के पास तो यूट्यूब है, आपके पास तो गुरु हैं, गाइड हैं, जो इस चीज़ों से गुजर चुके हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपको होप देते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। बट जब हम लोगों की जो सिचुएशन थी उस समय तो यूट्यूब ही नहीं था, मतलब उस टाइप का मोबाइल ही नहीं था कि कोई एंड्रॉयड सिस्टम उस पे चलता हो और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हो कि बस सर्च किया और मिल गया कुछ। उस समय तो वो नोकिया वाला फ़ोन होता था जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय स्नेक वाले गेम के। तो सोचिए कि जिसको डिवाइन की हेल्प मिलेगी वो डिवाइन गाइड कर ही देंगे, चाहे जैसे करना हो।
तो आपको होपफुल रहना है, कम से कम होपफुल रहना आपके हाथ में है. सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर टुडे. होप आपको इस गाइडेंस से थोड़ी पॉजिटिविटी मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो. लाइक ज़रूर करें चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा सेकंड चैनल और ये चैनल, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय.